हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। तो देखिए, रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट बड़ी आसान सी है कि मोशन तो हमेशा ही रिलेटिव होता है। भाई मैंने जो आप अगर मोशन का जो सबसे पहला काइनेमेटिक्स का वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपने मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि मोशन एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर भी आता है, क्योंकि मोशन इज डिफाइंड एज चेंज, मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है, मान लीजिए जैसे अर्थ के फ्रेम में रुका हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट का मोशन दिख रहा है, और ऑब्जर्वर अगर खुद चलने लगेगा, या फिर ऐसे कई सारे ऑब्जर्वर हैं जो अलग अलग स्पीड से, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट का मोशन देखें, तो उन सारे ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग दिखाई देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए एक कार जा रही है, और उस कार की एक हाईवे में चली जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और उसके उसको एक स्टेशनरी रोड के, हाईवे के जस्ट बगल में खड़ा हुआ कोई बंदा देखे, ऑब्जर्वर देखे। एक कार जो उसको पीछे आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, वो देखे। एक कार जो सामने से चली आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, वो देखे। तो तीनों ऑब्जर्वर को उसी कार का मोशन, उस कार की स्पीड अलग अलग दिखाई देगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट है कि मोशन रिलेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम, अलग अलग ऑब्जर्वर उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग देखते हैं। तो उसको हम 1D के मोशन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली, वो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। और ये रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन भी काफी सारे बनते हैं। तो मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये रही स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे हमने एक ले लिया एक कॉमन ऑब्जर्वर, उस कॉमन ऑब्जर्वर को मान लिया ओ। कॉमन ऑब्जर्वर हमने अर्थ को मान लिया, अर्थ के फ्रेम में, अर्थ को रेस्ट मान सकते हैं, अर्थ के फ्रेम में मैं बोल रहा हूँ। तो अर्थ के फ्रेम में अर्थ को मैंने रेस्ट मान लिया ओ, कॉमन ऑब्जर्वर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दोनों चल रहे हैं, दोनों का मोशन हो रहा है, तो दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है। अब वो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है। तो इस कॉमन ऑब्जर्वर ओ ने ए की पोजीशन किसी भी समय देखी एक्स से, और बी की पोजीशन किसी भी मोमेंट पे देखी एक्स बी। ए की पोजीशन देखी एक्स से, और बी की पोजीशन देखी एक्स बी, एक्स से और एक्स बी। अब ये एक्स से, ये एक्स बी है, ये एक्स से ऊपर वाला एक्स से। अब मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्स ए बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव पोजीशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जर्वर देख रहा है जो कि खुद मूव कर रहा है। वैसे ऐसे जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वर मूव करे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक कॉमन ऑब्जर्वर ओ था, अब हम बी से ए को देख रहे हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए को अगर बी देखे तो उसको ये गैप दिखाई देगा। तो ये गैप कितना है, तो ये एक्स ए माइनस एक्स बी। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बन गया एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये जो एक्स ए बी हमको मिला है, इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक्स ए बी, ये होगा एक्स ए माइनस एक्स बी। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो एक्स ए का डिफ्रेंशिएशन वी आएगा, एक्स बी का वी भी आएगा, एक्स ए बी का वी ए बी आएगा, वी ए बी आएगा। वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। भाई अगर बी के फ्रेम में ए की पोजीशन चेंज हो रही है, तो बी के फ्रेम में ए मूव कर रहा है, तो बी के फ्रेम में ए की कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसे क्या लिखोगे, उसे लिखोगे वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये टी को डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स ए माइनस एक्स बी को, तो एक्स ए का डी एक्स बाई डी टी वी ए बन गया, और एक्स बी का डी एक्स बाई डी टी वी भी बन गया। तो ये बन गया रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, भाई बी के फ्रेम में ए की कुछ वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी बदल ली हुई, तो बी के फ्रेम में ए का एक्सेलेरेशन भी होगा, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या बनेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। डिफ्रेंशिएट करके आएगा पूरी इक्वेशन को, तो वी का डिफ्रेंशिएशन आएगा ए, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बन गया ए माइनस ए बी। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जब हम मोशन को किसी ऑब्जर्वर से देख, वैसे मोशन तो वैसे ऑब्जर्वर से होता है, बट हम, मेरा यहाँ पे मतलब है मूविंग ऑब्जर्वर से देखते हैं, तो हमको जो वेलोसिटी होती है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी सी होती है, उससे डिफरेंट दिखती है, तो उस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म आया कहाँ से, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म आया इसलिए
पोजीशन भी रिलेटिव होती है भाई। उसी कार वाले एग्जांपल की बात करें, उस कार वाले ऑब्जर्वर, कार वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग ऑब्जर्वर देखे तो उनको पोजीशन भी तो अलग अलग लगेगी। तो पोजीशन अलग अलग लग रही है तो वेलोसिटी भी अलग अलग लगेगी, एक्सलेशन भी अलग अलग लगेगा, और सब में देखिए कॉमन चीज आ रही है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक्स ए माइनस एक्स बी, वी ए बी वी ए माइनस वी बी, एक्सलेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एक्सलेशन ऑफ ए माइनस एक्स बी, बी ऑब्जर्वर था ए ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जर्वर की एक टेंडेंसी होती है, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रश में देखता है। भाई आप ट्रेन में बैठे होगे और ट्रेन चल रही होगी और आप मूविंग ट्रेन से किसी और चीज को देखोगे तो आप अपने आप को तो रश में देखोगे, आप अपने आप को मोशन में नहीं लोगे। आप ट्रेन में बैठे हो और आपने खिड़की से विंडो से झांक रहे हो, सामने आप रोड पे चलते हुए लोगों को देख रहे हो, लेकिन आप अपने आप को तो रश में ज़ूम करोगे। उसकी जो आपको वेलोसिटी या पोजीशन या एक्सेलेरेशन, वो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव एक्सेलेरेशन है, बट आपने अपने आप को तो पहले रश में ही ज़ूम कर लिया। तो ये टेंडेंसी होती है, ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट। किसी भी ऑब्जर्वर की अपने फ्रेम में खुद की वेलोसिटी जीरो होती है, खुद का एक्सेलेरेशन जीरो होता है, और खुद की पोजीशन तो खैर ओरिजिन होती ही होती है। इसमें भी देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे वी ए ए लिखे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी ए माइनस वी ए जीरो आ जाएगा। अब अच्छा, सब में मैंने बोला था ए ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जर्वर है, तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। इसको जनरलाइज कर देते हैं, पोजीशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, velocity of object with respect to observer, velocity of object minus velocity of observer, acceleration of object with respect to observer, acceleration of object minus acceleration of observer, और ये सब vector में है। देखिए ऐसा है कि one dimensional motion हम लोग जरूर कर रहे थे, बट ये general definition आई है, ये 1D motion के लिए भी 2D motion के लिए भी है। velocity of object with respect to observer is velocity of object minus velocity of observer। अगली चीज, अब VAB करेंगे तो VA minus VB आएगा, बट अगर VBA करेंगे तो VB minus VA आएगा। अब देखिए VA माइनस VB और VB माइनस VA एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगला कॉन्सेप्ट VAB VBA का इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो मतलब जैसे AB को 40 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ देखे जाते हुए, तो BA को 40 किलोमीटर पर आवर से ही साउथ जाते हुए देखेगा। AB को अगर 40 किलोमीटर पर आवर से राइट वर्ड जाते हुए देखे, बी ए को 40 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट वर्ड जाते हुए देखेगा, तो ए के फ्रेम में बी की और बी के फ्रेम में ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। और खुद के फ्रेम में तो मैंने बताई थी, खुद के फ्रेम में खुद किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो ही होगी, ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट। अच्छा, इसको 1D में यूज करें, देखिए 1D में क्या होता है कि वेक्टर वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, 1D में दो ही डायरेक्शन होती है, राइट और लेफ्ट, तो अब हम उनको वेक्टर की तरह ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये स्पीड एक ही डायरेक्शन में तो दोनों प्लस ले लें, अगर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को प्लस एक को माइनस ले लें। तो होता क्या है कि 1D में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन करते हैं, तो 1D में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन करते वक्त जैसे मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछी, तो हमने VA माइनस VB कर दिया। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, जब हम VA माइनस VB करेंगे और VA VB हम स्पीड लिख रहे हैं, तो VA माइनस VB वेलोसिटी है, अब हम उनका मॉड यानी स्पीड लिखने जा रहे हैं, तो VA ये वाला है VA, मान लीजिए इसको हमने प्लस लिखा, जब VB लिखने की बारी आएगी तो इसको माइनस लिखेंगे, तो VA माइनस माइनस VB, तो ये VA प्लस VB हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1D की बात करें और 1D में अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम V1 माइनस V2 से काम चला सकते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो V1 प्लस V2 हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का काम करेगा। बाकी अगर आप वेक्टर फॉर्म में पूछो तो जनरल फॉर्मूला तो यही है, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब इनके क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो था रिलेटिव